find adjective in a sentence. Okay. So, adjective क्या है? अब सब लोग last classes में, previous classes में पढ़े हो. So, what is adjective? Adjective is a word which describes about noun and pronoun. Adjective एक word होता है sentence में जो noun या तो pronoun के बारे में describe करता है, explain करता है. Maybe उसका quality describe करता है, उसका number describe करता है, उसका shape, size, whatever. जो भी है noun या तो pronoun के बारे में describe करता है. So sentence में जो word noun या pronoun के बारे में explain करता है, उसके बारे में ज़्यादा बताता है, उसको clarify करता है, that is called adjective. Okay, so what that describe a noun or a pronoun are called adjectives. Okay, clear? So what are the types of adjective? Adjectives ke kitne types hote hain? Look at here. Adjective of quality, adjectives of quantity, adjectives of number, demonstrative adjectives, interrogative adjective, and possessive adjectives. So there are six types of adjectives. Adjectives of quality, adjectives of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, and possessive adjective. So let us discuss the types of adjective first. Okay. So first is adjectives of quality. Adjective of quality जो है, उसको किसको हम adjective of quality बोलते हैं? Okay. So जो हमने अभी बताया, मैंने अभी बताया, जो सेंटेंस में नाउन्स या प्रोनाउन्स को डिस्क्राइब करता है, उसको क्लैरिफाई करता है, उसके बारे में ज़्यादा चीज बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. सो क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होती है? जो नाउन की काइंड या नेचर, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, द बैग इज कलरफुल, रोज द फ्लावर इज ब्यूटिफुल. सो ये जो है कलरफुल, ब्यूटिफुल, ये सब जो है वो नाउन के क्वालिटी के बारे में बताते हैं. सो दैट्स व्हाई ब्यूटीफुल, कलरफुल, ये जो है, ये जो भी एडजेक्टिव होता है नाउन के क्वालिटी के बारे में, उसके नेचर के बारे में बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है? जो नाउन के नेचर के बारे में बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक. बुक कैसा है? बुक क्या है? एक नाउन है सेंटेंस में. कैसा बुक? कैसा है बुक? इंटरेस्टिंग. सो इट इज इट्स क्वालिटी. बुक का जो क्वालिटी है क्या है? इंटरेस्टिंग. सो इसलिए हम जो इंटरेस्टिंग है उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब अमाउंट, कोई भी चीज़ का अमाउंट, कोई भी चीज़ की कितना है, हाउ मच. ठीक है, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है? An adjective of quantity is an adjective that tells quantity of thing. मतलब noun के बारे में जो बताते हैं उसको हम adjective बोलते हैं, that is clear. So adjective of quantity क्या होता है? जो noun की quantity के बारे में बताता है, how much it's present there, उसको हम बोलते हैं adjective of quantity. So adjective of quantity is an adjective that tells us more about noun in the form of quantity. Quantity मतलब इसका amount के बारे में जो बताता है उसको हम बोलते हैं adjective of quantity. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर गेव मी सम होमवर्क फॉर संडे. तो सम जो है वो एडजेक्टिव है, सम मतलब कुछ, तो वो एक अमाउंट को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. आई हैव इनफ टाइम टू कम्प्लीट द वर्क. तो इनफ जो है वो वर्क, वो जो भी काम है हमारा, उसका अमाउंट बताता है, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑलवेज यूज विथ अनकाउंटेबल नाउंस. नाउन जब आपने पढ़े हो, नाउन के टाइप्स पढ़े हो, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. सो एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है. एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑलवेज यूज विथ अनकाउंटेबल नाउंस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बताया मैंने होमवर्क, होमवर्क को आप काउंट कर सकते हो? नो. देन आई हैव इनफ टाइम टू कम्प्लीट द वर्क. वर्क जो है, काम है, उसको कुछ लीटर, किलोग्राम इसमें काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो? नो. सो दैट्स व्हाई दीज आर अनकाउंटेबल नाउंस. एंड adjective of quantity always used with uncountable nouns. Then, so adjective of quantity क्या होता है? Adjective of quantity is an adjective that tells us about the quantity of the thing. That means quantity of the noun. Okay. For example, some, enough, much, like that. Then next is adjective of number. Quantity and number are same because it shows amount. कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा, कुछ मेजरमेंट को बताता है. और क्वांटिटी जो होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है, इट ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल
नाउन बताता है बट इट ऑलवेज यूज विद काउंटेबल नाउन्स. ओके, सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज एन एडजेक्टिव दैट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ पर्संस. मतलब जो नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, इन दैट प्लेस वी कैन यूज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज एन एडजेक्टिव दैट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ द पर्संस. फॉर एग्जाम्पल, all the students were present at the event. So all is adjective of number used in the sentence. And all the students jo hai, that is countable noun, student ko hum count kar sakte hain. Okay, then they will return after 2 weeks. So 2 weeks jo hota hai, unko pata hai weeks mein 1 week mein 7 days hota hai, 2 weeks means 14 days. So 2 jo hai yahan pe adjective hai, that is adjective of number. So adjective of quantity jo hai and adjective number, adjectives of number jo hai, both the adjectives are used to show the amount of the noun. But adjective of quantity, what is the difference between both of them? That adjective of quantity used with uncountable noun and adjective of number used with countable noun. Okay, now next is adjective of quality, adjective of quantity and adjective of number. Now demonstrative adjective. Number 4, demonstrative adjective. So what is demonstrative adjective? A demonstrative adjective is used to point out some person or thing. That means in a sentence, noun is there and adjective. What is adjective? Adjective is a word that describes about noun or pronoun. So sentence mein jo word noun ko point out karta hai, noun ko indicate karta hai, noun ko show karta hai, that is called demonstrative adjective. For example, these, those. Okay, so example, these bikes are not parked properly. So these jo hai yahan pe kya hai, demonstrative adjective. This bike is Rahul's. To bike yahan pe kya hai, noun hai, usko kaun indicate karta hai, which word indicates here, this. So this is our demonstrative adjective. Okay, then I can see that mango tree. So that is here an adjective and it is demonstrative adjective. So demonstrative adjective kisko bolte hain? A demonstrative adjective is an adjective which is used to point out. Point out means point karna, usko indicate karna noun ko. So demonstrative adjective ek word hota hai jo noun ya pronoun jo sentence mein hota hai usko point out karta hai ke this table is blue. So this table ke bare mein koi bata raha hai, this matlab wohi table. This bag is yours. So bag ko kya bata hai, this. So these, that, these, those, this type of words are used as demonstrative adjective. Okay, now next is interrogative adjective. So interrogative adjectives kisko bolte hain? Interrogative simply, we all know that interrogative means ask questions. Jahan pe question hota hai usko hum interrogative sentence ya interrogative form bolte hain. Okay, adjectives that are used with nouns to ask questions are interrogative adjective. जो adjective sentence में question को question form करता है उसको हम बोलते हैं interrogative adjectives. For example, what questions did the teacher ask? Whose bed is that? Whose, which, how, what? These are called interrogative adjectives. Okay. Now next is possessive adjective. Possessive मतलब क्या हो गया? Belongingness, किसी का कोई भी चीज़ के ऊपर ownership, जो किसी का कोई चीज़ होता है. ओके, सो पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजिशंस और बिलोंगिंग. पोजिशन बताता है, दैट मीन्स बिलोंगिंग, उसकी कोई भी चीज़ के ऊपर उसका ओनरशिप बताता है, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव. सो पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजिशन और बिलोंगिंग्स. ओके, सो पजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट शोज पोजिशन और बिलोंगिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही, हर, योर, देयर, like that. Okay, so these are called possessive adjectives. For example, his pen is on the table. His pen is on the table. Pen is noun here. His. Kiska belonging hai us pe? Uska. His. Okay, your bike is new. Her bag is, her pen is in the box. So kiska pen hai? Her. So jab bhi sentence mein noun ke belong, jo noun ko belong karta hai, noun ka jo bhi cheez, jo bhi noun hai, उसका जो ओनर है जब सेंटेंस में शो करता है, दैट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव. सो दीज आर द
टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, दैट शोज क्वांटिटी ऑफ थिंग एंड इट ऑलवेज यूज विद अनकाउंटेबल नाउंस। एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होती है, इट ऑल्सो शोज द अमाउंट ऑफ द नाउन बट इट इज यूज विद काउंटेबल नाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, दैट मीन्स दिस दैट दीज दोज। देन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इट ऑलवेज इंडिकेट्स द क्वेश्चन, अरेज फ्रॉम द क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हूज, व्हाट, हाउ, व्हेयर। देन पॉजिटिव एडजेक्टिव शोज द बिलोंगिंगनेस ऑफ द नाउन, ओके, दैट मीन्स हिज, हर, योर, देयर, इट्स, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आर द टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ओके। नाउ एडजेक्टिव को हम सेंटेंस में कहाँ पे यूज करते हैं, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, हमको पता है दैट डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, बट उसका पोजिशन क्या है, नाउन के बाद में, नाउन के सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस